अमरीका वाले ने कहा कि हमने एक आदमी का दिल बदला, अगला 3 घंटे में काम धंधा ढूंढने लग गया। जापान वाला बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, अगला 5 घंटे में काम धंधा ढूंढने लग गया। हमने कहा हमने 2014 में एक आदमी बदला था, पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा। अच्छा है कपिल भैया, भाई जोरदार ताली भी बजा। क्या है आज मारवाड़ी आदमी जो होता है शराब और शबाब से ज्यादा हिसाब के करीब होता है। मैं तो मेरे शहर से आ रहा था पुसद होते हुए दिग्रस से, दिग्रस से सीधी वाशिम तक के बस थी, बीच में पुसद आता है। अब प्यास लगी थी, नीचे उतरा, फिर से बस में चढ़ा तो देखा मेरी सीट पे दूसरा व्यक्ति। अब अपने को गुस्सा तो बहुत आया मगर मारवाड़ी फोकट में गाली भी नहीं दे सकता। अपन ने उससे पूछ लिया तुम्हारा नाम, बोले रमेश। मैंने कहा पिताजी का नाम, बोले तुकाराम। मैंने कहा रमेश ये तुकाराम की सीट नहीं है। अच्छा है, मैं तो ऐसा भी कह सकता था तेरे बाप की नहीं है, मगर मारवाड़ी फोकट में क्यों दे, दे ही नहीं सकता। वो तो चंदा मांगने के लिए कुछ लोग आ गए, बोले स्विमिंग पूल बनवाने का है। मैंने 4 बकेट पानी दे दिया। चलू के किसी अवाम के लिए खुद को टारगेट करके लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना ये बहुत बड़ा कमाल होता है। पर ऐसा कमाल जानने वाला शायर मोहतरम कपिल जैन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ इन मिस्रों से कि खूब बड़ा सामान चुरा कर भागा है, खूब बड़ा सामान चुरा कर भागा है, चोर मेरी पहचान चुरा कर भागा है, और पर्स में मैंने मुल्क का नक्शा रखा था, साला हिंदुस्तान चुरा कर भागा है। हेलो, मैं चाय वाले को मना भी नहीं कर सकते, न जाने कब देश के प्रधानमंत्री बन जाए। सही है कपिल भैया, सही है। हाँ वो तो पहले से बोल के रखा था, मैं टाइम ही आना। शिरपुर जैन को कपिल जैन का प्रणाम, और आयोजन जो कमेटी है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मतिन भाई मेरे परिचय में बहुत अच्छी बात की, बोले रात में बना बनाया घर आ गया। हालांकि स्थितियां ऐसी कि सब कुछ जल्दी बन जाता है। वो तो मुझे याद आता है कि अमरीका वाले ने कहा कि हमने एक आदमी का दिल बदला, अगला 3 घंटे में काम धंधा ढूंढने लग गया। जापान वाला बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, अगला 5 घंटे में काम धंधा ढूंढने लग गया। हमने कहा हमने 2014 में एक आदमी बदला था, पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। अच्छा है कपिल भैया, भाई जोरदार ताली भी बजा दे आप। आपके सफल यशस्वी ऐसे विधायक महोदय उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। स्थितियां देश की ऐसी होगी, क्या करे। आजकल मन की बात करने वाले के बारे में बात करने का ही मन नहीं होता। अच्छा है, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी सम्माननीय कह रहे थे, मगर बेशक यात्रा सफल होगी इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमेशा एड़ी चोटी का जोर लगाने वाला ईडी चोटी के जोर लगाने वाले पर हावी होता है। क्या कहने, अच्छा है भैया, क्या कहने। वाकई में पूरे देश को एक करने की कोशिश, बहुत अच्छा मंच आपके शहर में, और ये मुशायरा सारी बातें चलती रही। हाल मेरा क्रम नहीं था, मतिन भाई का फोन आया था, बोले कपिल आ जाना। अगले ने 1 घंटे तक बात की मगर मुद्दे की बात भी नहीं आ रहे थे।
अब अपन तो मारवाड़ी आदमी, अगले ने एक घंटे तक नहीं पूछा, बाद में कृपा हो गई भगवान की, फोन रखते रखते पूछ लिया, बोले कितना लोगे। मैंने कहा आप तो कपिल शर्मा को बुलवाने वाले थे, अब उसको जितना देने वाले थे उससे 1000 रुपया कम दे देना। मतीन भाई बोले यार फिर तो आई जाओ। मैंने बोला क्यों, तो बोले उसको 1000 ही रुपए देने वाला था। अच्छा है, अपन काहे के मारवाड़ी, अपने से बड़े मारवाड़ी यहाँ फंसे हुए। मगर क्या है, मारवाड़ी आदमी जो होता है शराब और शबाब से ज्यादा हिसाब के करीब होता है। मैं तो मेरे शहर से आ रहा था पुसद होते हुए दिग्रस से, दिग्रस से सीधी वाशिम तक के बस के बीच में पुसद आता है। अब प्यास लगी थी, नीचे उतरा, फिर से बस में चढ़ा तो देखा मेरी सीट पे दूसरा व्यक्ति। अब अपने को गुस्सा तो बहुत आया, मगर मारवाड़ी फोकट में गाली भी नहीं दे सकता। अपन ने उससे पूछ लिया तुम्हारा नाम, बोले रमेश। मैंने कहा पिताजी का नाम, बोले तुकाराम। मैंने कहा रमेश ये तुकाराम की सीट नहीं है। अच्छा है, मैं तो ऐसा भी कह सकता था तेरे बाप की नहीं है, मगर मारवाड़ी फोकट में क्यों दे, दे ही नहीं सकता। वो तो चंदा मांगने के लिए कुछ लोग आ गए, बोले स्विमिंग पूल बनवाने का है। मैंने 4 बकेट पानी दे दिया। अच्छा है, अच्छा है। तो अपने हिसाब से जोरदार ताली भी बजा लिया कपिल जैन साहब के लिए। तालियां तो बजाओ हमारे लिए, वही है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है, मतलब कितनी जरूरी है ये बताना चाह रहा हूँ। आपकी तालियां बजती रहेगी, वाकई में अच्छा लगेगा। मातृशक्ति हमारी बहनें भी आई है, उनका भी स्वागत करता हूँ। सब आ रहे हैं धीरे धीरे, आप समय पे आ रहे, हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। अपने हिसाब से कार्यक्रम जो है आगे बढ़ता रहेगा। सारी स्थितियां कोरोना के बाद, इतनी भीड़ पहली बार देख रहा हूँ, वाकई में परेशान कर दिया था। सारा मामला ऑनलाइन चल रहा था, वो तो मुशायरों में हमेशा बाहर रहता हूँ, लगातार 2-3 महीने घर पे रहा। तो पत्नी ने बिल्कुल खराब नजरों से देखते हुए एक मेरे तरफ कहा, बोले न जानी ये बीमारी घर से कब जाएगी। अब वो बीमारी को कह रही थी कि अपने को, यही समझ में नहीं आ रहा था। मगर हम जिनकी उपस्थिति आदरणीय विधायक महोदय यहाँ पर है, मैं एक टिप्पणी देना चाहता हूँ कि कोरोना के पहले किसी के बाप को मालूम नहीं था सैनिटाइजर क्या होता है, बड़वाइजर मालूम था, वही हंसे जिनके गोत्र की बात मैंने कही, मगर सैनिटाइजर क्या होता है मालूम नहीं। सैनिटाइजर लगा लगा के हाथ की सारी रेखाएं मिट गई, बस एक रेखा सही मायने में दिखने लग गई, जिसको गरीबी की रेखा कहते हैं। जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों इस बात पर। तो जिंदाबाद कपिल भैया, जिंदाबाद। कैसे कहे गुनाह में शामिल नहीं रहे, कैसे कह, क्या हालत हो गई थी साहब, 4 बंदियां देखिए। कैसे कहे गुनाह में शामिल नहीं रहे, जो अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और जिनको जिनको बिठाने सर पे कंधे 1000 थे, उनको भी 4 कंधे हासिल नहीं रहे। बहुत अच्छा है। कोरोना ने क्षति तो बहुत की, मगर सबसे बड़ी क्षति कहीं ना कहीं ये भी थी कि राहत साहब को हमसे छीन लिया। बेशक मैंने उस समय टिप्पणी भी की थी कि न जाने दुनिया कोरोना से कब राहत की सांस ले, मगर कोरोना ने राहत की सांस ले ली। बेशक ये स्थितियां सारी हमने भुगती है। वो तो मेरी बेटी ने बड़ी जिद कर दी कोरोना के टाइम, बोले नानी के घर जाना चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। मैंने कहा कहीं मत जा, पूरी दुनिया को ही नानी याद आ रही है। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करे आदमी परेशान, शेविंग बढ़ रही थी, सेविंग कम हो रही थी। सही है, मगर बात करनी पड़ती है, क्योंकि आदरणीय विधायक महोदय, ये देश जो है प्रतीक्षा करने वालों का देश है। इस देश में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार का जो दर्द है इस देश में, अडवाणी जी के बाद मैं ही जानता हूँ। भाई कपिल भी अगर अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपने जोरदार ताली बजा देनी चाहिए, मुझे हर वक्त बोलने की जरूरत न पड़े। ये शीरपुर है, बताइए कि शीरपुर में मुशायरा ऐसे सुना जाता है जी कपिल भाई? नहीं, हालांकि मैं टिप्पणी करता नहीं हूँ, नहीं तो करनी पड़ेगी, बजाते जाओ यार, नहीं तो अगले जन्म में घर घर जाके बजाना पड़ेगा, वो ठीक मामला नहीं है।
वो तो मेरे शायर दोस्त है, शादी हो गई, सुहागरात का मामला था, पत्नी के पास गया, तीन चार मोहब्बत के गीत सुनाए, पत्नी शर्मा ही, मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा। अब वो वहां पे मांग सकता है, और इकबाल भाई जहाँ ढंगा है वहां बजा देंगे, ये कोई पोलियो डोज थोड़ी है, मालेगांव में हो गया तो यहाँ पर भी, तो अपने हिसाब से बजाते रहना चाहिए, बजा दीजिए। हाँ, तो ये बातें इस देश में कई पत्ते बाद में खुलते हैं। 30 साल पहले गोविंदा ने आके फिल्म में पूछा था, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। 2 साल पहले पता चला राधे मां, लेकिन पत्ते बाद में खुलते। 8 साल पहले अक्षय कुमार ने एक बात को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की थी, तो उनके परम प्रिय मित्र ने, आप जानते हो कौन है, अभी पिछले कुछ महीनों में उनकी चिंता को दूर कर दिया। 8 चीते भारत में लाए गए, क्योंकि अक्षय कुमार ने तब गाया था चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ताली बजा। चिंता चितों की है इस देश में, और यही फजीतों की बात है, मगर बात करनी पड़ती है। नूरी जी मंच पर मौजूद है, उनका भी बड़ा आगमन देरी से हुआ, प्रतीक्षा उनकी भी हो रही थी, बहुत अच्छी आवाज उनकी है, बधाई देता हूं, मेरी भी बुरी नहीं है। वो तो नाश्ते में कोयल के अंडों का आमलेट खाती है, अपन जैन आदमी कहां से खाए, अपने को तो कोयल ही मना कर दे। मगर मेरी भी बुरी नहीं है, बचपन में पिताजी को गा के सुनाया, पिताजी बोले यार तू तो रेडियो पे गाया कर। मैंने कहा पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी हौसला अफजाई का। बोले काय का धन्यवाद, रेडियो को कम से कम बंद करते आता है। अगर सलीम साहब मैंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, हारमोनियम खरीदा। अच्छा। हाँ, हारमोनियम खरीदा और सीधे चले गए यार रहमान के पास, उनको गाना गा के सुनाया। वो बोले यार तुमको सुन के तो विराट कोहली की याद आ गई। मैंने कहा दादा वो तो गायक नहीं है। रहमान साहब बोले तुम भी कहाँ हो। अच्छा है, अच्छा है। मैं बहुत बारीक बात करता हूँ, और कभी कभी तो इतनी बारीक करता हूँ कि खुद ही नहीं समझ पाता, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि ताली बजा दिया करें। मगर हद तो तब हो गई जब रात के 2:30 बजे मित्र ने घर पे गाने के लिए बुलाया। मैंने कहा यार खूब टाइमिंग चुना, तेरे पड़ोसी गाने को सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। बोले उनका क्या है, उनका भी कुत्ता रात भर भौंकता है। अच्छा है कपिल भैया, वाह 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 वाह। मगर हिम्मत बढ़ जाती है भाई। आमदार साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, आप भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए कपिल जैन साहब का। जिंदाबाद कपिल साहब, बहुत अच्छा है। कपिल भैया के रूप में मंच पे बैठे सब कलाकारों का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी की ओर से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक हार में सबको ही निपटा दी है। हालांकि हमारे परम प्रिय मित्र फारूक लमन साहब यहाँ पर चाहते भी थे कि सम्माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति में मराठी गजल के कुछ शेर भी पढ़ेंगे, वो आपके बाद पढ़ना है। और निश्चित तौर से तब तक आप बैठे रहेंगे, बड़ा मन है उनका, तो आपसे एक निवेदन है, क्योंकि चाहे भाषा उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, मुनव्वर राणा साहब ने कहीं पर कहा था कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं देसी घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। क्या कहने, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं देसी घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। और सगी बहनों का जो रिश्ता है मराठी हिंदी और उर्दू में, कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में। क्या कहने, बहुत अच्छा है कपिल भाई, जिंदाबाद। कहीं ना कहीं सारी बातें बिल्कुल फिजूल है यार, ये दरारे वरारे काहे की दरारे, सारी बिल्कुल बातें निकाली हुई है, बनाया गया है, निर्मित है, प्राकृतिक कुछ भी नहीं है।
प्राकृतिक तो केवल इस देश में इस दुनिया में प्रेम ही होता है, जो बोलता है, जो आपस में होता है। मैं तो हमेशा कहता भी हूँ कि मुस्लिम और हिंदू में बस फर्क है इतना, मुस्लिम और हिंदू में बस फर्क है इतना, आप देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। क्या कहने, सारी दुनिया भाषा की दुनिया, अगर हिम्मत नहीं आ रही तो सारी बातें हो जाती है। मैं गाने की बात इसीलिए कर रहा था कि आप टीवी पर अगर 20 चैनल चालू करते हो तो 18 चैनल पे तो प्रतियोगिता ही आते रहती गाने की, इंडियन आइडल, सुर संग्राम, सारेगम पदनीसा, जी न्यूज, टिप्पणी देखो ना। अब इन्होंने भी मतलब भौचक के रह गए विधायक महोदय, बोले यार ये ठीक है, इंडियन आइडल गाने का कार्यक्रम है, सुर संग्राम गाने का कार्यक्रम है ना, मुख बड़े छोटे जो भी है वो सब गाने के कार्यक्रम में जी न्यूज कैसे फंसाया। मैंने कहा विधायक महोदय उस चैनल पर भी तो दिन भर किसी के गुनी गाए जाते हैं। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है कपिल भाई, बहुत अच्छा है। हाँ मगर चले गए अपन भी, हिम्मत बढ़ गई, एक प्रतियोगिता में वापिस आए तो अपना चेहरा उतरा हुआ था। जावेद इशाती साहब ने पूछ लिया, बोले क्यों उतरा हुआ है, मैंने कहा दूसरा नंबर आया, ये बोले क्यों नाराज होता है, दो तो एक से बड़ा ही होता है। अच्छा, मैंने कहा खतरनाक तरीका है समझाने का। अगले ने अगला प्रश्न किया, बोले कितने प्रतियोगी आए थे, मैंने कहा दो ही आए थे। बोले ये भी ठीक है, ये बता जिसको पहला नंबर मिला उसने कौन सा गाना गाया था, मैंने कहा उसने कोई गाना नहीं गाया, मेरा सुनती उसको पहला दे दिया। अच्छा है। संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए, और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को न मिक्स कीजिए। क्या कहने कपिल भैया, वाह वाह। उसकी जो पाकिजगी है, उसकी जो पावनता है, पुनीत जो है, उसको अलग रहने दीजिए। आप सब जानते हैं साहब, आज से मतलब किशोर कुमार गाते थे, मोहम्मद रफी गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था, अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती है। क्या कहने, अच्छा है। चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का, अगला पीने की बात तो कितना गर्व के साथ कह रहा, वो तो 30-35 साल पहले शब्बीर कुमार ने गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, कोई कारण तो था। हाँ। यहाँ तो काम मेरा रोज का, नो रीजन ऑल सीजन। अच्छा है कपिल भैया, ये स्थितियां होगी गानों की। आप सब जानते हैं साहब, इस देश में तीन या चार गानों में सारे मामले निपट जाते थे, तीन या चार गानों में, आप सभी जानते हो। पहला होता था आज मेरे यार की शादी है, दूसरा होता था बहारो फूल बरसाओ वो शहीद होने के वक्त का, और तीसरा होता था बाबुल की दुआएं लेती जा। ये तीन में नहीं निपटे तो चौथे में तो निपट ही जाता था, सुहाग रातें घूंघट उठा रहा हूं मैं। ये सारी स्थितियां, अरे वाह 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 वाह, भैया पुलिस विभाग को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, हमेशा उनके बारे में कहा जाता है कि वो सुनते नहीं है, मगर आज वो सुन रहे हैं। मगर विशेष प्रणाम उन्हें इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि मुझे याद आता है दो पंक्तियां किसी की, कि दंगे के दौरान पुलिस वाला, दंगे के दौरान एक दंगाई पुलिस वाले के घर को आग लगा रहा था, दंगे के दौरान एक दंगाई पुलिस वाले के घर को आग लगा रहा था, और पुलिस वाला उसी दंगाई के घर की आग को बुझा रहा था। क्या कहने भाई, जोरदार तालियां आखिर तक, बहुत अच्छा है कपिल भैया। हमारे सारे त्योहार जिनके कारण सुरक्षित है, महफूज है, उनको प्रणाम करना निश्चित तौर से प्रथम हमारा कर्तव्य, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण बिल्कुल बराबर मामला चल रहा है और चलता ही रहेगा निस्संदेह, आपका समर्पण अपने पेशे के प्रति जो है वो उसको प्रणाम करने की इच्छा होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बात हुई वो नोटबंदी की, समय की अपना है, आप पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। पढ़ रहा हूँ, वो तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं बीच बीच में वैल्यू टेस्ट करते रहता हूँ। हाँ, वो नोटबंदी का मामला 16 में, आप जानते हो मैं तो मुशायरे के कारण बाहर रहता, इधर वो हो गया बहनों और भाइयों, बहन और भाई मतलब जो पत्नियां कहती थी कि जहर खाने के लिए पैसा नहीं है,
नोटबंदी की घोषणा के बाद इतने निकल के आए कि सदमे में पतियों ने जहर खा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे परिवारों में जहर उनकी हिस्सों में आता है जिन्होंने तालियां बजाई, सब ऐसी भुक्त भोगी है। आप घर के बाहर में कितनी भी ब्रिलियंट हो, विवेकानंद हो, घर में आपकी औकात क्या है आपको ही पता रहती और सभी को हमको भी पता रहती। आप बाजार में दूरबीन लेकर के जाओ और सब्जी लेकर के आओ, घर पे वही सुनने को मिलेगा। कुछ भी लेके आते, कुछ भी लेके आते, सभी का अनुभव यहाँ से लेके वहां तक, कुछ भी लेके आते। मुझे भी वही सुनना पड़ा, कुछ भी लेके आते। मैंने कहा तेरे को भी मैं लाया था। मैं जोरदार तालियां बजा दे पूरा मजमा मिलकर। ये खास है, ये बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बहुत अच्छा, ये तेरे को भी मिला है, ये बहुत अच्छा। मैं लाया तेरे को मैंने लाया। पत्नी के हार पे कितना खुश होते, सब हार पहना देते। बोले तेरे को भी तो मैं ही लाया। अच्छा है, मगर वो बात तो उसने समझ लिया नहीं, संभालना पड़ेगा। तो उसने बात को संभाला नहीं। नहीं बोले मेरा कहने का मतलब तो ये था कि तुम बड़े भोले हो, तुमको कोई भी बेवकूफ बना देता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने की। क्या कहने, अच्छा है, बहुत खूब। अब बात पिताजी की, उनके ससुर जी की बात आई। मैंने कहा उनको ही डायरेक्ट अपन मिल लेते, उनको ही बताया अपना दर्द कि किनके साथ बांध दिया जिंदगी भर के लिए। तो ससुर जी मुझे कोने में लेकर के गए और एक बात कही। उनकी बात सुनकर उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई। वो कोने में मुझे लेकर के गए और धीरे से बोले, जरा मेरे बारे में सोच, मैं तो इसकी भी माँ के साथ रह रहा हूँ। तो ये स्थितियां होती है। बात नोटबंदी से निकली थी और कहां तक के आ गई। टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि नोटबंदी के कारण किसी विशेष क्षेत्र में पत्थर कितने रुके ये तो नहीं पता, मगर जिंदगियां निश्चित रूप से पत्थर जैसी हो गई थी। बहुत हो, तब जाके कविता देना चाहता हूं कि नोटबंदी के कारण रिश्तों में पारदर्शिता आई। आहा, पारदर्शिता आनी चाहिए। ये तो अभी गुजरात में मोरबी के पुलिया वाला हादसा हो गया। कैसे कैसे हादसे और भी है मोरबी का, क्या मगर निश्चित रूप से समय रहते अगर ध्यान में नहीं लाई गई बात तो कुछ भी हो सकता है। बेशक, नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, नेता हो तो इस क्षेत्र के नेता जैसा हो जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपने साथ में लेकर का हुनर जानता, चलने का हुनर जानता। आमदार साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दे आप लोग। नहीं तो वो थे एक दक्षिण भारत के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि, उनकी एक आग बकरी की थी, नकली थी। पत्नी के साथ मार्केट में घूमने के लिए निकले और पत्नी से खतरनाक सवाल किया, बोले आज एक साइड की दुकानें बंद क्यों है। अच्छा है, मगर पत्नी भारतीय थी, अपनी पति की कमजोरी को बताने वाली नहीं छुपाने वाली थी। बोले आज एक साइड की दुकानें बंद क्यों है। पत्नी बोली कोई बंद नहीं है, वापस आते समय खुल जाएगी, है कि नहीं। तो ऐसी संभालने वाली चाहिए, तब जाके बात बनती है। मैंने कविता में यह कहा था कि एक नेता अपने बालों को नोच रहे थे, मोरबी का हादसा देखिए, कविता देखिए। एक नेता अपने बालों को नोच रहे थे, क्या पता क्या सोच रहे थे। मैंने उनके पीए से पूछा तो पीए ने मुझे अपनी तरफ खींचा, बोले नेताजी इसी वजह से अपने बालों को नोच रहे, वो जहां नदी है ही नहीं वहां पुल बनाने की सोच रहे। क्या कहने, अच्छा है भैया। जहां नदी है ही नहीं वहाँ पुल बनाने की सोच रहे हैं। हमने कहा यार ऐसे कैसे चल पाएगा, जहाँ नदी है ही नहीं वहाँ पुल कैसे बन पाएगा। तो पीए बोला कपिल जी आप बेवकूफ नजर आते हैं, आजकल पुल नदियों पर नहीं कागजों पर बनाए जाते हैं। क्या कहने, नदियों पर नहीं कागजों पर। बहुत हो, कविता तब जाके देनी पड़ी कि नोटबंदी के कारण। एक ही कविता में हास्य से व्यंग के तरफ और चिंतन के तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं। नोटबंदी के कारण रिश्तों में पारदर्शिता आई, पत्नी ने निकाली सफेद पर्स से काली कमाई, देखकर पूरे 10,000 हम हक्के बक्के थे,
पत्नी बोली आपके लिए ही तो रखे थे। अच्छा है। हमने एक साथ 10,000 पाने के मौके को देखा और प्राचीन ऐतिहासिक सांसारिक वाक्य फेंका कि पति और पत्नी में तेरा मेरा थोड़ी होता है यार। पत्नी बोली ठीक है, बदलाने के बाद दे देना 5,000। कहने अच्छा है, बदलाने के बाद दे देना 5,000। इस पर पत्नी ने कहा कि सारे देश में भागम भाग मची है, तुम भी भगो, मेरे मुंह से नहीं कतार में लगो। तो हमने अमिताभ के अंदाज में कहा कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पत्नी बोली जल्दी जाओ नहीं तो कहना पड़ेगा हम जहां खड़े होते हैं कैश वहीं पे खत्म होती है। हमने घर से बाहर कदम रखते ही कतार में जगह पाली। चित्र देखिए नोटबंदी का एक पंक्ति में, हमने घर से बाहर कदम रखते ही कतार में जगह पाली, बैंक तो दूरी था कतारी घर तक आली। अच्छा है। बैंक तो दूरी था कतारी घर तक आली। हमने सामने वाले सज्जन से कहा लाइन तो बहुत लंबी दिख रही है, वो बोला है तभी तो दिख रही है। हमने समझ लिया कि बेचारा परेशान है, नोटबंदी से हैरान है। हमने कहा अगर इतने परेशान हो तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कतार में क्यों नहीं करते खड़ा। ये पंक्ति देखिए, थोड़ा सा बैठ जाइए जी, पढ़िए। विशेष तौर से ध्यान चाहूंगा सभी का, पंक्ति देखिए साहब। इरशाद अली, लाइन तो बहुत लंबी दिख रही है, वो बोला हाँ है तभी तो दिख रही है। हमने कहा अगर इतने ही परेशान हो, नोटबंदी से हैरान हो, तो घर के किसी दूसरे सदस्य को कतार में क्यों नहीं करते खड़ा। वो बोला घर में बूढ़ी माँ है और उसका वो कतार में खड़ा करूं, अभी नहीं हुआ मैं इतना बड़ा। क्या कहने, घर में बूढ़ी माँ है। आप तालियों में कंजूसी कर रहे हैं। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़ी माँ है और उसको कतार में खड़ा करूं, अभी नहीं हुआ मैं इतना बड़ा। वाकई में पत्नी की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई, कैश तक खत्म होने की घोषणा भी हो गई। हमने फिर से घर में कदम रखा तो दहशतनाक वाक्य सुनाई दिया, मित्रों हमने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया। अच्छा है। हमने फिर से घर में कदम रखा तो दहशतनाक वाक्य सुनाई दिया, मित्रों हमने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया। हमने कहा मोदी जी ये तो ठीक है कि आपने किसी को तैयारियों का मौका नहीं दिया, मगर दुख केवल इस बात का है कि आपने भी तैयारियों को पूरा नहीं किया। अच्छा है। आपने भी तैयारियों को पूरा नहीं किया, जिनको खड़ा करना आप चाहा आपने, जिनको खड़ा करना चाहा आपने, उन्होंने ही आपको साथ नहीं दिया। हमने तो दिया मोदी जी, बैंक वालों ने ही आपको साथ नहीं दिया। अच्छा है। और कुल मिलाकर के नोटबंदी का फलसफा यही है, किसी शायर ने दो पंक्तियां कही है कि आग लगाई किसने ये बात किसी को पता नहीं थी, आग लगाई किसने ये बात किसी को पता नहीं थी, पर जले आग में वो जिनकी कोई खता नहीं थी। बहुत बहुत